हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे प्यारे महापुरुषों का प्यार भरी धन निरंकार। और सुनाइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगे। और हाँ, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे यहाँ कीर्तन हो रहा है, पीपल की पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर है, वहीं पर कीर्तन हो रहा है। सभी बहनें भाई आपको दिख ही रहे हैं, बड़ा ही अच्छा कीर्तन हो रहा था, बहुत अच्छे शब्द गाए जा रहे थे यहाँ पर। और सॉरी, और काफ़ी क्राउड था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, माथा टेक टेक के, जैसा कि शिवरात्रि पे होता ही है। और कुछ बहनें बैठी ही हैं, बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, बड़ा ही अच्छा हो रहा था। तो चलो, आप भी मेरे साथ थोड़ा सा कीर्तन सुनो। आ जाइए, आप भी खा लीजिए ग्रेप्स। मैं भी खा रही हूँ, ये मम्मी ने अभी लिए हैं। और अमन कल कह रहा था कि ग्रेप्स खाने हैं, पर कोई नहीं आया था भैया, तो अभी मम्मी ने लिया। आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ रमन पढ़ रहा है और साथ में खा भी रहा है, दोनों काम कर रहा है एक साथ, पढ़ने का और खाने का। ग्रेप्स का सीज़न आ गया है और अमन को ग्रेप्स बहुत पसंद है। आप भी बताना कि किस किस को ग्रेप्स पसंद है कमेंट सेक्शन मुझे लिखकर, और किस किस के बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे बेटे का तो है, बाकी आप लोग भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो जी, हम स्टडी कंटिन्यू करते हैं रमन की, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मेरी मम्मा को ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी ज़रूर करो। हाँ जी, यहाँ मैं हूँ किचन में और बन रही है चाय, और दूसरी साइड ब्रेड रखी हुई है ब्राउन गरम करने के लिए। ये थोड़ी सी जल गई है, बट टेस्टी लगती है, इतनी भी नहीं जली है। घी लगा कर मैंने रखी, पहले सोचा था सैंडविच बना लूँ, बट फिर नहीं, मैंने कहा चलो ब्रेड ही गरम कर लेती हूँ।
और इधर चाय बन रही है। रमन अपने रूम में है, सॉरी रमन अपनी दादी के पास है और ये पीछे बैठे हुए हैं अपने रूम में। तो बस थोड़ी सी मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, नींद आ रही थी। वैसे भी शाम का टाइम हम चाय 5:30 ही बनाते हैं, बट ये मैंने 4 बजे ही चाय बना ली है, जल्दी बना ली है आज, क्योंकि रमन को पढ़ाते पढ़ाते नींद आ रही थी। और फिर रमन कह रहा मुझे ब्रेक चाहिए, चलो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। और तो फिर मेरे को थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने मट्ठी और ये ब्रेड मट्ठी गर्म किया अपने लिए, ये सॉरी ब्रेड गर्म किया अपने लिए, और ये मट्ठी रमन और उसके पापा या दादी जिसने भी लेनी होगी वो ले लेंगे, मैं प्लेट में ले जाऊंगी। और इधर चाय बन चुकी है अच्छे से, जैसा कि आपको पता ही है मुझे बार बार ज़्यादा थोड़ी कड़ी हुई चाय पसंद है, यानी कि एक दो उबाली आई और बंद कर दी, मेरे को थोड़े अच्छे से कड़ी हुई चाय ही पसंद है। और यहाँ पर जो ये मट्ठी है बहुत ही सॉफ्ट है, जो हलवाई की दुकान पर मिलती है आपको पता ही है जो हलवाई बनाते हैं, पर इसको कितने दिन हो गए हैं, 10-12 दिन हो गए हैं, और ये मट्ठी सलाबी भी नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट है। मैंने वैसे तो ये प्लास्टिक के डिब्बे में रखी है, पहले लिफाफे में ही थी, पर ये बहुत ही सॉफ्ट मट्ठी है। और यहाँ पर चाय अच्छे से हो चुकी है, तो ठीक है हम पीते हैं चाय। आप भी आ जाइए और एक कप गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद दोबारा किचन में ही, क्योंकि चाय पीकर मुझे फिर दोबारा से किचन में ही आना है, तो मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ हूँ मैं किचन में और आज मैं बना रही हूँ जिसे कुछ लोग सीताफल भी बोलते हैं और कद्दू भी बोलते हैं, पेठा कद्दू भी बोलते हैं। आज मैं बना रही हूँ इसकी सब्जी, तो इसके लिए मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, लहसुन, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज और जीरा और थोड़ी सी मेथी दाना और हींग। तो चलो मैं पहले डालती हूँ, यहाँ मैंने हींग डाल दी है तड़के में और थोड़ा सा छीटा उठ के है, थोड़ा गीला था वो जो स्पैचुला था, तो थोड़ा सा उसका छीटा बीच में चला गया और तेल ऊपर झट से आ गया। और यहाँ जीरा डाला है और मेथी दाना डाल रही हूँ, ये अच्छे से चटक जाएगा। तो फिर मैं इसमें लहसुन और कड़ी पत्ता डालूँगी, वो भी मैंने अभी फ्रेश ही तोड़ा है, कड़ी पत्ता गीला है तो बस मैंने धोकर रख लिया था। हमारे कड़ी पत्ते का पेड़ लगा है, पहले तो उसके सारे पत्ते झड़ गए थे, अब दोबारा से आने शुरू हो गए हैं हरे हरे। तो बस यहाँ पर मेरा जो ये मेथी दाना और जीरा अच्छे से भून जाए, फिर मैं इसमें लहसुन और जो कड़ी पत्ता है वो डालूँगी। कद्दू में बै होती है, हमारे बहुत कम बनता है, ज़्यादा नहीं बनता, ये सीज़न का सेकंड टाइम ही बन रहा है, एक बार खट्टा मीठा कद्दू बना था और ये दूसरी टाइम बन रहा है। वैसे आज मैंने मीठा खट्टा मीठा ही बनाना था, तो इमली नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो ये वाला बना लेती हूँ मैं, तो ये भी खा ही लेंगे, पर इतना पसंद नहीं है कि फेवरेट, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है चावल वगैरह के साथ और पूड़ी के साथ, तो ये अच्छा लगता ही है, और बट हमारे नहीं बनता है, जैसे कि मैंने बताया सेकंड टाइम ही बन रहा है। तो बस, और जो भी ये घिया तोरी ये सब्जियां बच्चों को कहाँ पसंद होती है आपको पता ही है, तो ये कम ही बनती है, बड़े तो खा ही लेते हैं, पर ये कद्दू जो है ये तो मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत ही शौक़ के तौर पे 1-2 चमचे ले लेंगे, मम्मी और मैं ही खाएंगे, क्योंकि मम्मी भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, मेरे को भी ऐसे रेगुलर पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया कि हमारे 2 ही बार बना है सीज़न का, ये सेकेंड टाइम बन रहा है और एक टाइम खट्टा मीठा बना था, तो है अदरवाइज़ हमारे नहीं बनता है। और समर में भी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि खा खा कर इंसान बोर हो जाता है, जैसे घिया हो गया, तोरी हो गया, ये भी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती हैं। और ये यहाँ पर मैंने टमाटर लिया है, इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी देगी मिर्च ली है, मैं ज़्यादा मिर्च नहीं ली है क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाली है, तो मैंने लाल मिर्च नहीं लिया, हल्दी नमक ही लिया है। सूखा सूखा कद्दू अच्छा लगता है, घिया भी सूखा सूखा अच्छा लगता है शुरू शुरू में, तो बाद में समर में हम फिर बोर हो जाते हैं घिया तोरी वगैरह खाकर। वैसे तो तोरी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बट जैसे जैसे समर होता है, आगे आगे बढ़ता जाता है, तो हम, आपको पता है, ये सभी सब्जियों से बोर होने शुरू हो जाते हैं। विंटर में जैसे गोभी बना ली, गाजर बना ली, यही खाई जाए, ऐसे ही समर में भी होता है कि घिया तोरी भिंडी और क्या है, यही सब्जियां हैं, करेले वगैरह। तो बस यहाँ पर मैं मसाले को भून लूँगी अच्छे से। यहाँ पर टमाटर, सॉरी यहाँ पर मसाला हो चुका है, तो बस मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर।
ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस सब्ज़ी को, आपको पता ही है ये झटपट बन जाती है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट कद्दू है, फ्रेश कद्दू है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आप देख सकते हो हरा हरा कद्दू, टेस्टी बनती है सब्ज़ी, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने में झटपट बन जाएगी। और फिर देखते हैं इसके साथ पूड़ी बनानी है या रोटी बनानी है, पराठी बनानी, क्या बनानी है। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और आजकल मैं जल्दी ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, वैसे तो सुबह बना लेते हैं क्योंकि रमन के एग्ज़ाम है तो सुबह ही बना लेते हैं, तो बस आज थोड़ा लेट हो गई तो मैंने कहा चलो अब बना लेते हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और झटपट बन जाएगी। तो चलो जब तक मेरा मसाला होता है मैं इसे थोड़ा ढक देती हूँ, यहाँ पर मैंने ढक दिया और मैं देख लेती एक बार टमाटर हुए हैं कि नहीं, अभी नहीं हुए हैं टमाटर तो थोड़ा सा मैं इसे और ढक देती हूँ। और यहाँ टमाटर हो चुके हैं अच्छे से, आप लोग भी देख सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्जी जो की थी, ये थोड़ी सी हो जाती है कोई भी सूखी सब्जी हो, विंटर समर में घिया होगा, तोरी होगी, ये सब्जी सब थोड़ी सी हो जाती है, एक टाइम का ही इसमें मुश्किल से होता है। और जल्दी से मतलब कि ये नहीं है कि जैसे विंटर में हम सब्जी बनाकर रख लेते हैं तो दो टाइम हो जाए, पर नहीं, इनमें नहीं होता है, इसको तो टाइम लगता ही, आपको पता है कि दोबारा बनानी ही पड़ती है कुछ सब्जी, अगर 3-4 जने हो तो मुश्किल से पूरा होता है सूखी सब्जी से। गोभी वगैरह से फिर भी हो जाता है, पर जो कद्दू की सब्जी होती है, तोरी की होती है, घिया की होती है, इनमें बहुत मुश्किल से होता है और ज़्यादा बनाओ तो फिर वो टेस्टी नहीं लगती। तो ठीक है तो ठीक है, अब मैं इसे ढक देती हूँ और इसको मैं कर दूँगी कम गैस, और सिम गैस पे सब्जी बन रही है, ये देख सकते हो आप, तो मैं थोड़ी देर बाद देखूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो सब्जी है वो कद्दू की बन चुकी है, अब मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया, अब मैं इसे कर दूंगी मिक्स। तो बस अभी बच चुके हैं 8, रोटी बनाऊंगी 15 मिनट बाद। तो बस अब सब्जी बन चुकी है, मैं थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद रोटी बनाती हूँ और सबको सर्व करती हूँ और आपसे साथ साथ में बात कर। यहाँ पर प्लेट लग चुकी है मम्मी के लिए और साथ में दही वगैरह कुछ नहीं लेंगे क्योंकि कद्दू की सब्जी है, बह करती है तो हम दही वगैरह नहीं लेते हैं। वैसे तो मैंने साथ में साबुत मूंग और चने की दाल भी बनाई थी पर मम्मी को नहीं खानी थी, वो कह रहे थे मुझे कद्दू की सब्ज़ी ही दे देना, और अमन लेगा दाल वो सब्ज़ी नहीं खाएगा, और हस्बैंड भी दाल ही लेंगे, वो टेस्ट के तौर पर थोड़ा सा कद्दू ले लेंगे, उनको भी इतना नहीं पसंद है। तो आप भी आ जाइए खा लीजिए गर्मा गर्म कद्दू की सब्जी और चपाती। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और सबको खाना देती हूँ। ओके जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे प्यार महापुरुषों को प्यार भरी धन निरंकार, हंसते रहो, बसते रहो, सदा खुश रहो, अपना ध्यान रखो, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखो क्योंकि बुज़ुर्ग है तो घर की रौनक है। धन निरंकार जी।